देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि आपको प्रेशर एट ए और बी निकालना है, मतलब यहाँ पर ए पर प्रेशर क्या होगा और बी पर प्रेशर क्या होगा। ऑल्सो फाइंड एंगल थीटा, और ये एंगल थीटा भी तुम्हें यहाँ पर निकाल के बताना है। एक जिगजैग ट्यूब है ओपन एट एन, यहाँ पर एन जो पार्ट है ये ओपन है और इनमें लिक्विड्स देख लो क्या क्या है। ρ1 डेंसिटी का लिक्विड है, इसमें ρ2 डेंसिटी का लिक्विड है और इसमें ρ3 डेंसिटी का लिक्विड है, और इसको एक वर्टिकल प्लेन पे हमने रखा है। और प्रेशर एट एम इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि ये जो पॉइंट एम है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये वर्टिकल हाइट जानना होगा ग्राउंड से कितना ऊंचा है। अब देखो चूंकि ये लेंथ एल है और ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एल साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर तुम अगर बात करो कि प्रेशर एट ए क्या होगा, तो प्रेशर एट ए लिखने के लिए तुम चाहो तो इस एम पॉइंट से ए की तरफ बढ़ सकते हो, मतलब ऊंचाई पे जा रहे हो, एम से ऊंचाई पे जा रहे हो। तो एम से अगर ऊंचाई पे जाओगे तो प्रेशर होगा डिक्रीज, और कितना डिक्रीज होता है तो माइनस रो जी एच, जहाँ पर रो की वैल्यू है ρ1 और एच की वैल्यू है एल साइन थीटा और पीएम की वैल्यू है पी नॉट, मतलब कि प्रेशर एट ए हो जाएगा पी नॉट माइनस ρ1 जी एल साइन थीटा। समझ गए, ए पर प्रेशर ऊपर थोड़ा घट जाएगा। अब अगर सपोज करो आपको प्रेशर एट बी लिखना है तो प्रेशर एट बी लिखने के लिए तुम एन पॉइंट से बी की तरफ बढ़ सकते हो, मतलब कि एच नीचे आओगे तो प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाएगा, जो प्रेशर एन पर है उसमें आपको रो जी एच ऐड कर देना है। दैट मीन्स कि एन की प्रेशर पी नॉट प्लस डेंसिटी रो टू इंटू जी इंटू एच, ये प्रेशर हो गया बी का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में प्रेशर एट ए और बी तो निकल गया, ठीक है, जो जो डेटा दिया हुआ था उसके अनुसार हमने निकाल लिया, लेकिन हमें थीटा भी निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए देखो क्या प्रोसेस रहेगा। अगर आप चाहो तो प्रेशर एट बी एक और तरीके से लिख सकते हो कि प्रेशर एट बी अगर आप लिखना चाहो तो ए से आप नीचे आ सकते हो, ए पॉइंट से आप एल साइन थीटा नीचे आ सकते हो। दैट मीन्स कि ए में आपको ऐड करना पड़ेगा रो जी एच, तो प्रेशर एट ए तुम्हें पता था कितना है, पी नॉट माइनस ρ1 जी एल साइन थीटा जो हमने पहले निकाला था, प्लस रो जी एच किस डेंसिटी के थ्रू हम लोग बी तक पहुंच रहे हैं तो 3, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा ρ3 इंटू जी, और कितने डेप्थ पे आ रहे हैं तो एल साइन थीटा। तो ये प्रेशर एट बी इस तरह से भी दूसरे तरफ से भी हम लोग लिख सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों प्रेशर को इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस रो टू जी एच इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस ρ1 जी एल साइन थीटा प्लस ρ3 जी एल साइन थीटा। अब यहाँ पर से हमारा पी नॉट कैंसिल हो जाएगा और जी भी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ रहेगा रो टू एच और इस तरफ रहेगा ρ3 एल माइनस ρ1 एल इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से तुम्हें साइन थीटा मिल गया रो टू एच अपॉन ρ3 माइनस ρ1 इंटू एल, दैट मीन्स कि तुम यहाँ से थीटा निकाल लोगे। तो इस तरह से तुम्हें यहाँ पर थीटा भी मिल गया, प्रेशर एट ए भी मिल गया, प्रेशर एट बी बी भी मिल गया है।